तो दोस्तों फाइनली मुझे यूट्यूब की तरफ से मेरे चैनल का कस्टम यूआरएल मिल चुका है। तो दोस्तों कस्टम यूआरएल आखिर होता क्या है और ये हमें कब मिलता है और इसके क्या क्या फायदे हैं, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरा बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे कर लेना ताकि मैं जब भी कोई भी इस तरह की वीडियो आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष कुमार और स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस चैनल टेक्निकल बैकअप में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आखिर कस्टम यूआरएल होता क्या है। तो दोस्तों पहले अगर आप चैनल अपने चैनल को यूट्यूब से कहीं भी शेयर करते हैं तो आपके चैनल का लिंक यानी यूआरएल कुछ इस तरह से होता है, यानी कि www.youtube/channel/abcd1 नंबर यानी कि 234 इस तरह से, यानी कुछ अजीब सा लिंक होता है वहां पे। किसी को अगर उस लिंक से अगर कहीं भी टाइप करके सर्च करना चाहे तो उसको टाइप करने में बहुत ही परेशानी होती है। लेकिन YouTube से जैसे ही हमारी कस्टम यूआरएल बनाने के लिए मिलता है तो आप जैसा चाहें उस तरह से अपने चैनल का बना सकते हैं, यानी वहां पे आप बना सकते हैं। वहां पे रहता है www.youtube.com/ अपने चैनल का नाम वहां पे दे सकते हैं, इससे हमारे चैनल को सर्च करने में बहुत ही आसानी होती है। दोस्तों दूसरी बात कर लेते हैं आखिर हमें ये चैनल का यूआरएल बनाने के लिए मिलता कब है। तो दोस्तों आपके चैनल पर जैसे ही 100 सब्सक्राइबर होते हैं तो उसको वहां पे आपको यूट्यूब की तरफ से आपके चैनल का कस्टम यूआरएल बनाने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यूआरएल बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो चलिए अपने मोबाइल के मैं स्क्रीन पर चलता हूं और आपको बताता हूं कि कैसे कस्टम यूआरएल बनाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर में सर्च करना है youtube.com। तो जैसे ही आप यहाँ पे youtube.com सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा YouTube का। तो दोस्तों इसको आपको सबसे पहले डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हैं तो आपको इसको डेस्कटॉप मोड में करना पड़ेगा। अगर आप पीसी और लैपटॉप में अगर यूज करें तो वहाँ पे वो ऑटोमेटिक डेस्कटॉप मोड में रहता है। तो आपको डेस्कटॉप मोड में करने के लिए आपको ये जो ऊपर जो लोग आइकॉन दिख रहा है एरो का, ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे डेस्कटॉप साइट पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपका ये मोबाइल डेस्कटॉप मोड में हो जाएगा। तो दोस्तों उसके बाद आपको यहाँ पे ऊपर में साइड में कॉर्नर में आपको चैनल का लोगो दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे योर चैनल पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आपको यहाँ पे कस्टम चैनल का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। दोस्तों अभी ये ओपन हो चुका है। तो उसके बाद आपको यहाँ पे तीन ऑप्शन ऊपर में जो आपको देखने को मिल रहा है, लेआउट, ब्रांडिंग और बेसिक इन्फॉर्मेशन। तो आपको यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन में क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप देखेंगे कि मेरे यहाँ चैनल का यूआरएल पहले से कुछ इस तरह से होता है, यानी कि www.youtube.com/channel/UCZ, यानी इस तरह से अजीब अजीब टाइप का नंबर कुछ इस तरह से होता है। यानी हम अपने चैनल का यानी यूट्यूब से जब भी चैनल को शेयर करते हैं तो हम पहले ये लिंक जाता था, लेकिन आपके चैनल पर जैसे ही 100 सब्सक्राइबर पुटते हैं तो आपको यूट्यूब की तरफ से अपने चैनल का कस्टम यूआरएल बनाने के लिए मिल जाता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं जैसे कि मुझे यहाँ पे मिल चुका है सेट अ कस्टम यूआरएल फॉर योर चैनल। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह से यूट्यूब से ऑटोमेटिक अगर चैनल के नाम के साथ, यानी कि इस तरह से आपको यहाँ पे यूट्यूब की तरफ से मिल जाएगा www.youtube.com/c/technical-backup। अगर अवेलेबल होगा तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आपको वहाँ पे कुछ दूसरे टाइप से दिया जाएगा। और इसके बाद अगर आप चाहें तो आगे लेटर्स नंबर कुछ भी चाहें तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे अभी मेरे चैनल का यूआरएल इस तरह से अभी मिल रहा है। तो अभी ये देख रहे हैं बहुत ही आसान है। तो इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर ऊपर में आपको दिखेगा एक पब्लिश का ऑप्शन, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है और कन्फर्म कर देना है। कंफर्म करते ही मेरे चैनल का यहाँ पे कस्टम यूआरएल बनकर अब तैयार हो चुका है। अब यह मेरे चैनल का लिंक कुछ इस तरह से यानी देखने में प्रोफेशनल लगेगा। अब मेरे चैनल कोई भी अगर शेयर करेगा तो मेरे चैनल का लिंक कुछ इस तरह से होगा www.youtube.com/c/technical-backup, यानी
अब कोई भी सर्च करेगा तो ये देखने में मेरे चैनल का लिंक एकदम प्रोफेशनल लगेगा। पहले कुछ इस तरह से नहीं, ऊपर में आप देख रहे हैं पहले पहले वाला मेरा था, अब मेरा चैनल का लिंक कुछ इस तरह से हो चुका है। तो दोस्तों इस तरह से आप अपने चैनल का लिंक यानी कस्टम यूआरएल बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और ये देखने में भी प्रोफेशनल लगता है। दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी आप हमें कमेंट्स बताना, और दोस्तों अगर आपके कोई सवाल हो तो आप हमें कमेंट्स में करना, मैं वहाँ पे रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों चैनल पर नए पहली बार आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन पे प्रेस करके ऑल पे करना, ताकि मेरी जब भी कोई भी वीडियोस आए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना है, फिर मिलेंगे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।